अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अलीशा गिलानी और मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रिनाला से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला खुर्दल खिदमत वेलफेयर काउंसिल की जानिब से 2023 नए साल के पहले ही दिन से लाभ मुताशरीन के लिए गर्म कपड़े, जोगर बूट, रजाइयाँ, लेडीज़ कपड़े और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की भरमार, सैलाब से मुतासर अफराद के लिए सर्दी के इस मौसम में सामान जमा किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सजाद खालिक लखवी से, जो इस वक्त अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल के ऑफिस में मौजूद हैं और तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल के वेयर हाउस में। मेरे हक़ में आप देख रहे होंगे रज़ाइयाँ और गर्म कपड़े हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के खिदमत के लिए पेश किए जा रहे हैं। ये नए साल का तोहफे के तौर पे दिए जा रहे हैं और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं सैयद नदीम जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अलखिदमत वेलफेयर काउंसिल रिनाला खुर्द के 33 साल का सफ़र मुकम्मल हुआ और दुखी इंसानियत के हवाले से हमारी खिदमात जो हैं जारी और सारी हैं। जैसा कि 2022 में हमने सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद की, इसी तरह हमने साल नौ में 1 जनवरी 2023 को हमने जो है वहाँ के दुखी इंसानियत के लिए जो खिदमात हैं वो हम पेश करते हैं, और इसी तरह हमने यहाँ पे रज़ाइयाँ, गद्दे, तकिए, जर्सियाँ, जैकेट्स और साथ ही साथ कंबल का एहतमाम किया है। जूते हर तरह के ख़वातीन, मर्द और बच्चों के लिए भी एहतमाम किया है। इसी तरह जर्सियाँ, बच्चों के कपड़े, मर्द हजरात के कपड़ों का एहतमाम किया है, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमारा ये जो सामान है ये यहाँ से रवाना होगा और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे सैलाब से मुतासर अफराद बैठे हैं उनके लिए हम जो है यहाँ से रवाना करेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।